आज हम जीतो कोयम्बतूर में हैं और जो आप पीछे देख रहे हैं ना, भगवान शिव की पूरी दुनिया में 112 फीट वाली एक ही मूर्ति है। और दर्शन कर लीजिए आदि योगी का। आज मैं तमिलनाडु की कहानी लेके आया हूँ जो यहाँ पे ही हुई है। यहाँ पे एक बंधुआ मजदूर था, तो उस जमाने में बंधुआ मजदूर का कोई नाम नहीं हुआ करता था, उसको हलवा करके बुलाते थे, हलवा। और वो बेचारा एक जमींदार के यहाँ काम करता था। वो जमींदार कैसा था कि उसको छोड़ता ही नहीं था वो, कोई भी वो बोलता, पर उसके मन में ये था जहाँ से रहता था वहाँ से 25 किलोमीटर दूर पे एक बड़ा शिव मंदिर था। अच्छा, उसके मन में एक ही कि वो शिव मंदिर का मैं दर्शन कर लूँ। बचपन से उसके मन के भगवान शिव की दर्शन। अब रोज वो सुबह उठे और जमींदार को बोले मुझे एक दिन की छुट्टी दे दो, एक दिन की छुट्टी दे दो। वो जमींदार बोले कि पहले तू अपना काम कर, पहले खाद डाल, निपाई कर, जुताई कर। अब उस जमाने में चलती जमींदारों की थी, कोई किसी को सुनता तो है नहीं। अब वो कई महीने बीत गए, कई साल बीत गए, पर इसका जो बचपन का मन था ना भगवान शिव के मुझे दर्शन करने, वो गया नहीं। अब वो बातें चलती रही, एक दिन उससे रहा नहीं गया, उसके अंदर गौरव जागा और बोला कि जमींदार साहब मुझे अभी आप एक दिन की छुट्टी। तो जमींदार के मुंह से निकल गया कि थोड़े दिनों पहले तो तूने बोला कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं, मेरी बहन की शादी है, मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं है, तो कितनी छुट्टियां लेगा। बोला एक बार मुझे जाने दो ना यार। तो बोला तू कल सुबह। पर वो जमींदार का जो मन होता है ना वो तो कच्चा है। वो जाते जाते उसके मुंह से बोल दिया कि एक काम कर, तू जाना पर 40 एकड़ जो है ना उसकी पूरी जमीन की खुदाई कर, जुताई। आप सोचो 40 एकड़, एक आदमी आधा एकड़ नहीं कर पावे। अब वो समझ गया कि जमींदार का मुझे भेजने का कोई, वो बस रात को वो सो गया कि भाई जो भगवान की इच्छा होगी वैसा। साहब दुनिया में जो घटना नहीं घटती वो यहाँ पे घटी थी। हुआ क्या कि सुबह जब पब्लिक खड़ी हुई और पूरा गांव जागा ना, तो 40 एकड़ पूरी की पूरी जुताई हो गई, पूरी की पूरी। रात को भगवान शिव आए और पूरी की पूरी। आप देखो साहब चमत्कार को नमस्कार। जो पूरा गांव हलवा हलवा करता था ना, वो सुबह लाके चांदी के सिक्के चढ़ाने लगा, सोने की छड़ी देने लगा। जमींदार के बच्चे आके पांव गिर गए, जमींदार पांव के गिर पड़ा कि हे शिव भक्त तुमको जो चाहिए ले, पर तुम परमात्मा के दर्शन। अब देखिए दुनिया बदलती कैसी है। वो वहां से सोने की छड़ी लेके रवाना हुआ, पर वो जहाँ पुगनूर करके जो मंदिर है शिव का, आज भी आप जाएंगे ना वो घटना वहाँ घटी है। वो जैसे ही वहाँ पहुँचा, पर अछूत था उसके मन में था कि मुझे ये लोग अंदर तो बाहर खड़ा खड़ा उसने बोला हे भगवान शिव, मेरे पूरी उम्र भर की भक्ति और साधना लेके मैं यहाँ आ गया हूँ, मुझे अभी अंदर आने दे, मुझे अभी मेरे दर्शन। तो दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार यहाँ हुआ था कि वो जो बहुत बड़ी नंदी थी ना, वो नंदी सरक गई पत्थर के। और आज भी आप वहां जाएंगे ना तो वो नंदी वहां पे सरकी हुई है। और भगवान शिव के साक्षात दर्शन हुए थे, वो नंदी सरकी ना तो उनका नाम हुआ, पहले कोई नाम नहीं था, उनका नाम गिरा नंदनार ऋषि। क्या नाम पड़ा? तो आज आप जब भी इधर कोयम्बतूर या कहीं आएंगे ना, तो इनकी फिजाओं में आपको नंदनार ऋषि की कहानियां सुनने को मिलेगी। तो साहब ये तर्कों की दुनिया नहीं है, दिल की दुनिया है। महादेव दिल की बात सुनते हैं। साहब भक्ति से जुड़िए, श्रद्धा से जुड़िए, महादेव से बड़ा कोई दुनिया में नहीं है। जय महादेव, महादेव, महादेव। थैंक यू सर, थैंक यू।